सुल्तानपुर में अखिलेश यादव ने संविदा पर काम करने वाले डॉक्टर की हत्या पर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, बुलडोजर का स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है, जब उनके लोग फंसने लगते हैं तो चाबी खो जाती है, उसे चलाने वाले लोग नहीं मिलते। जहां भी जमीन के विवाद हैं, हत्या हो रही है, उसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 295 एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया। उन्होंने एयरक्राफ्ट के अंदर जाकर सुविधाएं देखी। इससे पहले एयरबेस पर ड्रोन का शक्ति प्रदर्शन हुआ, जिसमें आतंकियों के प्रतीकात्मक ठिकानों पर ड्रोन ने बम गिराए। मुजफ्फरनगर में स्कूल के अंदर एक मुस्लिम छात्र की पिटाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने घटना को गंभीर बताते हुए आईपीएस अधिकारी को जांच का जिम्मा देकर रिपोर्ट तलब की। साथ ही बच्चे की किसी दूसरे स्कूल में पढ़ाई और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग कराने के लिए सरकार को निर्देश दिए। महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा समेत 13 लोगों के खिलाफ कानपुर में FIR दर्ज की गई। जूही इलाके के रहने वाले राजेश मिश्रा का आरोप है कि स्कॉर्पियो का एयरबैग नहीं खुलने की वजह से उनके बेटे की हादसे में मौत हो गई। उन्होंने कोर्ट की मदद से रायपुरवा थाने में FIR दर्ज कराई। कुशीनगर में एक नाबालिग के साथ 5 युवकों ने गैंगरेप किया और फिर उसे पुलिस को सौंप दिया। युवती का आरोप है कि क्यामुद्दीन ने पहले गांव में ही बनी एक झोपड़ी में रेप किया और फिर उसे 30 किलोमीटर दूर ले गया, जहां उसके दोस्तों ने दुपट्टा खींचकर उसे कार में बैठा लिया और फिर बारी बारी से गैंगरेप किया। बरेली के सिरौली इलाके में प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को युवती के परिजनों ने पकड़ लिया। उन्होंने पहले लात घूंसों से युवक की पिटाई की, फिर उसे पूरे गांव में घुमाया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस युवक को चौकी ले आई, जहां लड़के के घर वालों के पहुंचने पर समझौता हुआ, जिसके बाद युवक और युवती की शादी करवाई गई। लखनऊ में भाजपा विधायक योगेश शुक्ला के सरकारी फ्लैट में एक युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। 24 साल का श्रेष्ठ तिवारी विधायक के मीडिया सेल में काम करता था। सूत्रों के मुताबिक सुसाइड के वक्त वो गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। युवती ने ही इस घटना की सूचना पुलिस को दी। औरैया में CHC अधीक्षक के फूट फूट कर रोने का एक वीडियो सामने आया है। सुनील कुमार शर्मा भाजपा नेता के कंधे पर सिर रखकर रो रहे थे। जब उनसे इसकी वजह पूछी गई, तो उन्होंने बताया कि CMO ने फोन पर अभद्रता करते हुए कहा कि तुमको जूते से मारूंगा। फतेहपुर में एक बेटे ने पैसे नहीं देने और शादी नहीं करवाने पर अपनी माँ की हत्या कर दी। आरोपी बेटे ने सोते समय माँ बाप पर बांके से हमला किया, जिससे माँ की मौके पर ही मौत हो गई। पिता गंभीर रूप से घायल हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है। मथुरा में 8 साल की मासूम के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आरोपी बच्चे को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया, जिसके बाद बच्ची एक पार्क के कमरे में दर्द से तड़पती हुई मिली। पुलिस ने बच्ची को अस्पताल में भर्ती करवाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल